ये है फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर स्मार्ट वॉच, जो कि करीबन एक मंथ पहले लॉन्च हुई थी 2500 रुपए पे, बट अभी के लिए 4000 रुपीज पे अमेज़न पे आपको मिल रही है। तो क्या इस स्मार्ट वॉच को ले सकते हैं, नहीं ले सकते? इसके अलावा फायरबोल्ट ने सुपरनोवा भी लॉन्च की थी, पेबल की ओर से कोसमोस एंगेज भी आई थी। काफी सारे ऐसे स्मार्ट वॉचेज है जो कि एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी दिखती है, बट वैल्यू फॉर मनी है नहीं है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग वाली चीज यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बट मेन फीचर एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस बारे में वो हम बात। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले 1.96 इंच के डिस्प्ले के साथ आ गए, 240x282 का रेजोल्यूशन है, 600 nits की मैक्सिमम ब्राइटनेस है, जो कि आप आउटडोर में यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो डिस्प्ले है इसकी विजिबल है, एंड स्मूथ डिस्प्ले में बोल सकता हूँ, काफी अच्छा यूजर एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। आपने अगर फायरबोल्ट की स्मार्ट वॉच यूज की है तो ये सिमिलर ही लिखेगी, कोई भी चेंज नहीं है। मेरे को यूआई काफी स्मूथ लगा, बट हल्का फुल्का कहीं भी एक्सीडेंटल टच कभी कभी होता है। बट एक शिकायत मेरी यहाँ पे है, 1.69 की डिस्प्ले आती है तो वहां भी 240x282 का रेजोल्यूशन आता है, यहाँ पे डिस्प्ले करीबन 2 इंच है एंड सेम रेजोल्यूशन आपको मिलता है, तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर होता है। आइदर रेजोल्यूशन बढ़ा देते जिसकी वजह से पिक्सल थोड़ा सा फटे फटे नहीं लगते। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी प्रोडक्ट की काफी अच्छी है, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है सेम थिंग का, आपको स्ट्रैप चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता मार्केट में, इसके स्ट्रैप्स में भी आपको नहीं मिलेंगे। एंड इवन चेंज करने के लिए क्या आप सर्विस सेंटर विजिट करना चाहेंगे तो वो चीज आप मेरे को कमेंट करके बता देना, क्योंकि यार ये फ्रीडम आपको नहीं मिलती। ओवरऑल मेटेलिक बिल्ड के साथ आती है, 2 बटन्स दिए गए, क्राउन दिया गया, क्राउन वेरी वेल फंक्शनेबल है, जिसे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं या फिर जो भी मेन्यू है वहां पे स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन कर सकते हैं। ऑन रिस्ट स्मार्ट वॉच काफी अच्छी लगती है, करीबन 60 ग्राम्स के अराउंड इसका वेट है, वेट वाइज भी कुल मिला के ओके है। अब आते हैं स्पोर्ट मोड वाइज, 123 स्पोर्ट मोड यहाँ पे दिए गए हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड मोड है फॉर स्विमिंग एज वेल, बट मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ फाइंड आउट करने की आईपी रेटिंग है नहीं है, आईपी रेटिंग नहीं है बट स्विमिंग है, तो आप IP67 इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप काउंट का जो डेटा है आपको स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि प्रीटी मच एक्यूरेट मेरे को लगा। एंड एक्यूरेसी वाइज यहाँ पे मैं बात करता हूँ, तो मैंने अनबॉक्सिंग में बताया था कि इसके फेक सेंसर है, वो चीज मैं ट्राई आउट कर रहा था, काफी दिन से यूज कर रहा हूं, बता चुका हूं। तो अगर आप इसको टेबल पर रख देते हैं तो डेटा नहीं देती, बट हल्का सा पोर्शन अगर यहाँ पे एक्सपोज होता है, लाइक वो पार्ट सेंसर वाला पार्ट अगर टेबल पे प्लेस नहीं है, देन ये आपका डेटा लेना स्टार्ट कर देगी। तो वो चीज है, जब मैंने इसको हल्का सा प्रेस किया तो वियर प्रॉपरली करके आया एंड टेबल पे वैसे डेटा दे देती है, अगर आप ध्यान से इसको नहीं रखेंगे 24 आवर अगर आपने डेटा ऑन किया तो आपका डेटा गड़बड़ा जाएगा। बट ऑन रिस्ट एक्यूरेसी वाइज मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगी, ऑन रिस्ट काफी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये स्मार्ट वॉच वर्क करते हैं। जहां तक इसके कॉलिंग फंक्शन की बात है, तो कॉलिंग फंक्शन में आपको 8 कॉन्टैक्ट सेव का ऑप्शन मिलता है, आप रीसेंट कॉल चेक कर सकते हैं, आप डायल पैड का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। एंड आउटडोर कंडीशन में मेरे को कॉल क्वालिटी इसकी कुल मिला के ठीक लगी, इतना बेटर एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने रिसेंटली एक स्मार्ट वॉच अनबॉक्स की थी, ओल्ड की 1300 रुपए की वो वॉच थी, एंड मेरे को इससे बेटर उसका कॉलिंग एक्सपीरियंस लगा। देन अगर हम एडिशनल फीचर्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको हेल्थ सेंसर में बताना भूल गया क्या क्या मिलते हैं, हार्ट रेट, SpO2, BP, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, वुमेन हेल्थ, पैरोमीटर, स्लीप मॉनिटरिंग, ये सभी हेल्थ सेंसर यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। रेस्ट टू वेक वाला फंक्शन 8 टाइम वर्क कर रहा था आउट ऑफ 10 विद ए ग्रेट एक्यूरेसी, एंड रेस्ट टू वेक वाला ऑप्शन है 1 वीक वो वर्क करता है, स्क्रीन ऑफ नहीं होती। एडिशनल फीचर्स में आपके फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, गेम का ऑप्शन है, AI है, कैलकुलेटर का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट है, ढेरों सारे ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि आप डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है स्मार्ट वॉच में होना। एंड 100+ वॉच फेस है, जहां पे आप 8 to 9 वॉच फेस अपनी स्मार्ट वॉच में सेव कर सकते हैं, प्लस आप कस्टमाइज वॉच फेस भी यूज कर सकते हैं। बैटरी बैकअप का जहां तक सवाल है, तो बैटरी बैकअप फायरबोल्ट ने यहाँ पे क्लेम किया 7 डे का बैटरी बैकअप, अगर आप कॉल वगैरह कर रहे हैं वॉच से तो 2 to 3 डेज का बैटरी बैकअप ही आप यहाँ से ले पाएंगे, एंड आपको चार्ज करनी पड़ेगी ये वॉच आफ्टर 2 to 3 डे। चार्जिंग टाइम की जहां तक बात है, मेरे को करीबन 1.5 से 2 घंटा लगा, विच इज गुड इनफ, क्योंकि अदर ब्रांड्स 3 आवर्स, लाइक कोई 4 आवर्स भी बोलता है चार्जिंग टाइम, तो उस हिसाब से चार्जिंग टाइम काफी अच्छा था। तो अब आ गए कंक्लूजन वाइज, तो अगर आप ये स्मार्ट वॉच ले रहे हैं एंड आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्मार्ट वॉच यूज नहीं करते हैं, जैसे मैं लाइक 24 आवर में से मैं सिर्फ कुछ टाइम ही अपने स्मार्ट वॉच को निकालता हूँ, करीबन आधा पौना घंटा, दैट्स इट, मैं बाकी टाइम यूज करता हूँ, तो उस कंडीशन में आप 24 आवर हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन कर सकते हैं। अगर आप सोते टाइम इसको निकालते हैं तो आप उसको ऑफ कर दीजिए, बिकॉज यार डेटा आपका मिक्स हो जाएगा, वहां पे आपको दिक्कत आएगी। उसके अलावा यार मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, स्मार्ट वॉच प्रीटी मच ओके है, एंड आप सेल का वेट कर सकते हैं, क्योंकि सेल में ये स्मार्ट वॉच आपको करीबन 3000 रुपीज में मिल सकती है, जो वैल्यू फॉर मनी मैं कह सकता हूँ, प्राइसिंग काफी अच्छा था, 2500 रुपये
वैल्यू फॉर मनी आप बोल सकते हैं वो रेंज था, बट अभी के लिए प्राइस चेंज हो चुका है, जो कि थोड़ा सा पीपल हेजिटेट होंगे इसको लेने में, क्योंकि 4000 में काफी सारे आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं, एमोलेड पैनल एंड ऑल दैट। तो आप बताएं कौन सी स्मार्ट वॉच आप कंसिडर कर रहे हैं अंडर 4000 रुपीस, कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि ये वॉच के लिए आप जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आया अच्छा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।